तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आज का जो विचार है वो हमें भेजा है दीपक जी ने। और दीपक जी लिखते हैं, हेलो सर, मेरे लग्न में राहु की प्लेसमेंट है और राहु की दशा चल रही है, तो क्या मैं गौमेद धारण कर सकता हूं और उससे क्या बेनिफिट होगा? दीपक जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और दीपक जी का जो क्वेश्चन है वो ये है कि राहु लग्न में बैठा हुआ है, तो क्या मैं राहु का रत्न गोमेद हेसोनाइट क्या पहन सकता हूं? देखिए दीपक जी, आप राहु का रत्न नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि लग्न जो स्थान है वो सूर्य का स्थान माना जाता है। सूर्य लग्न में बलवान होता है, उच्च का माना जाता है, और राहु अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो बोला जाता है कि ये सूर्य को ग्रहण लगा देता है। तो इसलिए आप यहां पर गोमेद नहीं पहन सकते हैं। लेकिन फर्स्ट हाउस को आपको बलवान करना है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को बलवान करना है, क्योंकि राहु एक तामसिक प्लेनेट है। अगर वो फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो आपकी तरक्की को रोक सकता है। आपको उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस का संबंध आपकी पहचान से है, आपके नाम से है, आपकी वाइटलिटी से है, आपके हेल्थ से है, आपके करेक्टर से है। राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठता है तो फर्स्ट हाउस की चीजों के लिए आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। दूसरा, आपके मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं पैदा हो सकती हैं। जब भी राहु की दशा चलेगी तो ये राहु आपको भटका भी सकता है, गलत चीजों की तरफ भी भटका सकता है, कि अपने नाम को बनाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए हो सकता है कि आप गलत चीजों का सहारा लें। और राहु अगर नीच राशि में बैठ जाता है और मैलेफिक प्लेनेट के साथ होता है तो इंसान को बहुत गलत चीजों का एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है जीवन में। तो लग्न को बलवान करने के लिए पहले तो आपको सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए, चाहे लग्न आपका कोई भी हो, लग्न को बलवान करने के लिए सूर्य मंत्र का जाप करना है। दूसरा, नवरात्रि में जब 9 दिन की पूजा होती है, देवी दुर्गा की जब पूजा होती है, तो नवचंडी का पाठ करें, नवचंडी का हवन करें, उसका पाठ कराएं, उससे भी राहु के जो दोष हैं वो कम होते हैं। और जैसे मैंने बताया कि राहु एक तामसिक प्लेनेट है, तो चामुंडा के मंत्र का जाप कर सकते हैं, काली के मंत्र का जाप कर सकते हैं, उससे भी राहु का मैलेफिक असर आपके वर्षार्थ से कम होता है। तो यहां पर आपको अपने लग्न को बलवान करना है। और अगर दूसरे तरीके से हम और समझें, तो जो भी आपके लग्न का लॉर्ड है आपके वर्षार्थ में, उसका भी जेमस्टोन आप पहन सकते हैं, उससे भी आपका लग्न बलवान हो सकता है। लेकिन जो भी जेमस्टोन आप पहने, आपको यह देखना है कि उसका स्वामी कहां बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहां पर बैठा हुआ है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तब आप इसका जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं। लेकिन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव में है, 2nd हाउस में है, 3rd हाउस में है, 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, या 11th हाउस में है, तब आप उसका जेमस्टोन पहन सकते हैं। तो यहां पर आप गोमेद नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। फर्स्ट हाउस का जो राहु है वो लग्न को यानी सूर्य को ग्रहण लगा देता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने आपको बताया है उससे आपको काफी लाभ होगा, और जो भी आपका क्वेश्चन था वो काफी अच्छा लगा हमें। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में या अपने लग्न के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनल हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।